बॉलीवुड में रवीना टंडन का अपना ही जलवा है। टिप टिप बरसा पानी। उनकी अदा और सुंदरता के दीवाने फिल्मी हीरो से लेकर आम दर्शक भी हैं। पानी आग लगाई। रवीना टंडन के पिता रवि टंडन एक प्रसिद्ध निर्देशक थे, जिसके कारण रवीना का बचपन से ही फिल्मी दुनिया से गहरा नाता रहा। सलमान खान के साथ फिल्म पत्थर के फूल से रवीना टंडन ने अपने अभिनय की शुरुआत की। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू से सम्मानित किया गया था। रवीना टंडन ने न केवल व्यावसायिक हिट फिल्मों में काम किया, बल्कि उन्होंने आर्ट सिनेमा में भी अपनी प्रतिभा का दम दिखाया है। रवीना टंडन ने दमन और अक्स जैसी फिल्मों में काम करके आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की है। फिल्म दमन के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी मिला है। रवीना टंडन के करियर में एक बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्होंने अनिल थड़ानी से शादी करके फिल्मों से ब्रेक ले लिया। इतने ऊंचे घराने की बहू होकर ऐसी नीच हरकत, शर्म नहीं आई तुम्हें? कौन सा ऊंचा घराना ये, यहाँ सिर्फ एक आदमी राजा है और बाकी सब उसके गुलाम। मीना चिल्लाइए मत, आप मेरी सास नहीं है। जिस तरह आप इस घर की बहू है वैसे मैं भी हूँ। शादी के बाद रवीना ने टेलीविजन पर कुछ रियलिटी शोज और टॉक शोज में काम किया, फिल्म मात्र से अपनी वापसी की और नेटफ्लिक्स सीरीज अरण्यक के लिए फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड भी जीता। रवीना टंडन ने न केवल फिल्मों में अपना नाम कमाया, बल्कि वो पर्यावरण और जानवरों के अधिकारों के लिए भी काम करती रही है। रवीना पेटा ऑर्गेनाइजेशन के साथ सन 2002 से जुड़ी है। व्यक्तिगत जीवन में रवीना ने 2 लड़कियों को गोद भी लिया है। रवीना टंडन के इस योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल MSK डिजिटल को सब्सक्राइब करें। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। लाइक करें, कमेंट्स और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।